जिन ऑटो वालों के कंधों पर चढ़कर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाई, जिन ऑटो वालों के दम पे ये सरकार बनी, आज उन्हीं लोटो वालों को उजाड़ने में, बर्बाद करने में अरविंद केजरीवाल कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। प्राइवेट फाइनेंसर के थ्रू मिली भगत करके एक पूरी लूट का माहौल ऐसा बना रखा है कि हर ऑटो वाला आज बर्बादी की कगार पर खड़ा है। दिल्ली का हर ऑटो वाला परेशान है। इसी परेशानी से जूझते हुए उन ऑटो वालों ने एक हाई कोर्ट में गुहार लगाई और 12/5/2022 को एक हाई कोर्ट जांच का आदेश देता है और उसी जांच के आधार पे 17/10/2022 को एक FIR दर्ज की जाती है, जिसमें हाई कोर्ट ये मानता है कि इन ऑटो वालों के साथ दिल्ली सरकार ने लूटपाट की है। जो ऑटो सरकारी रूप से लगभग 2.5 लाख रुपए का आता है, वो ऑटो इनको 7.5-8 लाख रुपए में बेचा जा रहा है और अवैध कमाई ऑटो वालों से की जा रही है और हर तरीके से ऑटो वालों को लूटा जा रहा है। मेरे साथ इंद्रजीत सचदेवा जी है। इंद्रजीत सचदेवा जी ऑटो परिवार चलाते हैं और पूर्व में आम आदमी पार्टी की ऑटो यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे हैं। इंद्रजीत जी। जी जनाब, एक्चुअली ऑटो वालों ने अरविंद केजरीवाल का साथ इसीलिए दिया था कि भ्रष्टाचार खत्म हो सके, हमारी लड़ाई जो है, हमारे साथ जो लूट हो रही है वो लूट खत्म हो सके। परंतु इनके कार्यकाल में ये लूट इतनी बढ़ गई कि आज ये हजारों करोड़ रुपए की ब्लैक मनी का रोटेशन हो रहा है हमारे इस ऑटो रिक्शा के कारोबार में। मात्र 2,50,000 का ऑटो 7 लाख से ऊपर में बेचा जा रहा है और सारा का सारा ब्लैक मनी का मार्केट है। ये ड्राइवर को बताए बिना 14,500 से ज्यादा ऑटो उनसे छीन लिए गए और वो दलाल माफिया ने कहीं से कहीं उनको आगे कर दिया बिना ड्राइवर को बताए, बिना ड्राइवर की मर्जी के। हमने इन सारे मुद्दों को माननीय हाई कोर्ट के सामने रखा और उन्होंने इसके ऊपर इस जांच का आदेश दिया। अरविंद जी, डायन भी साथ घर छोड़ देती है और आपने उन गरीब ऑटो वालों को लूटा जिन्होंने आपके चुनाव में तन मन धन का सहयोग किया। शर्म कीजिए।